Construct a right angle triangle with a base 4 centimeter and the sum of the other side is 8 centimeter. मतलब दो साइड मिल के कितना होना चाहिए? 8 सेंटीमीटर होना चाहिए. तो सबसे पहले हम बेस कितना सेंटीमीटर लेंगे? 4 सेंटीमीटर बेस ले लेते हैं. ये रहा अपना 4 सेंटीमीटर का बेस. अब इसको हम नेम लेते चाहे ए एंड बी. और हमको राइट एंगल ट्रायंगल बनाने हैं तो या तो हम प्रोटेक्टर यूज कर सकते हैं या तो बाइसेक्टर परपेंडिकुलर से भी बना सकते हैं. तो ये रहा ज्योमेट्री से हम यूज कर सकते हैं. उसके बाद यहाँ एक पॉइंट मिला जिसको हम आर भी दे सकते हैं नाम. वहाँ से उस पॉइंट को करना जो 60 डिग्री होता है और 60 का और करेंगे तो 120. और हमको पता है 90 डिग्री 120 और 60 के बीच में आता है. तो उसको और बाइसेक करेंगे तो हमको एक परपेंडिकुलर लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा जो कि 90 डिग्री कंप्लीट होगा. ये अब इसको हम ज्वाइन कर देते हैं. अब इसको हम ज्वाइन करेंगे तो ये रहा आपका 90 डिग्री का ये लाइन. ठीक है, ये आपका 90 डिग्री. अब राइट एंगल ट्रायंगल विद बेस 4 सेंटीमीटर हो गया. 4 ये है आपका 4 सेंटीमीटर. सम ऑफ टू अदर साइड क्या होनी चाहिए? सम ऑफ अदर साइड. फिर हम इसको एक्सटेंड कर लेते हैं थोड़ा और ऐसे. अब सम ऑफ टू साइड्स क्या होनी चाहिए? 8 सेंटीमीटर. तो हम स्केल की सहायता से 8 सेंटीमीटर का आर्क काटेंगे. रेज जो बना है आपका परपेंडिकुलर का ये रहा आपका 8. तो ये है आपका रे ऐसे. उसमें 8 सेंटीमीटर का हम आर्क काटते हैं तो यहाँ पे मिलता है. उस रे को नोट कर लेते हैं और ये आपका पॉइंट को मिला देते हैं किससे? बी से. ये रहा बी से मिला. अभी हमारा ट्रायंगल बना नहीं. अभी हमको सम ऑफ टू अदर साइड जो होना चाहिए 8 सेंटीमीटर उसको प्रूव करने के लिए हम एक आर्क लेंगे हाफ से. कोई भी लाइन के हाफ से ज़्यादा, मतलब अगर मैं इसे इधर लेके चलूँ तो ये उसके हाफ से ज़्यादा होगा. तो इधर मैं एक आर्क लूँगा जस्ट और उधर इससे सामने लूँगा और उस आर्क को मैं काटूँगा. अगर इसमें पॉइंट पी दूँगा, पी से अगर आर्क को काटता हूँ तो ये ऐसे कटता है और इधर भी ऐसे कटता है. ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसको नोट कर लें और इसको हम क्या करते हैं? ज्वाइन कर देते हैं इस तरीके से. ये रहा पॉइंट. इस पॉइंट को नोट करने के बाद ये जो पॉइंट है ए बी, यही ये पॉइंट क्या है? सी है. अब इस पॉइंट को हम क्या कर देते हैं? ज्वाइन करते हैं ये. तो ये हमारा हो गया ए बी ट्रायंगल ए बी सी. अब यहाँ देखते हैं कि दो साइड मिलके क्या होना चाहिए? 8 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे सम ऑफ टू साइड मैंने लिखा 8 सेंटीमीटर होना चाहिए. देखते हैं ये साइड ए और सी को हम प्लस करके देखते हैं और वैसे सी और बी को. अगर 8 सेंटीमीटर आ जाता है तो सही है हमारा क्वेश्चन. तो यहाँ पे देखते हैं दिस इम्प्लाइज, अगर इसको हम मेजर करें तो ये आता है अप्रॉक्स 2.8 सेंटीमीटर. और इसको अगर हम मेज़र करें तो एग्जैक्ट आता है 5.2 सेंटीमीटर. अब दोनों को अगर प्लस करते हैं तो आता है 8 सेंटीमीटर, जबकि हमको बोला गया था सम ऑफ टू साइड क्या होना चाहिए? 8 सेंटीमीटर होना चाहिए. अब यहाँ देखते हैं कि यहाँ से यहाँ कितना हो रहा है? 2.8 सेंटीमीटर. ये कितना हो रहा है? 5.2 सेंटीमीटर. ठीक है, तो ये जो पॉइंट जो दिख रहा है ए से पी तक, ये रे था और रे कितना हमने आर के लिए था? 8 सेंटीमीटर. तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ से यहाँ जब 2.8 है तो ये जो रे है वो यहाँ से रेडियस होके कहाँ मिला? यहाँ मिला है. कहाँ मिला है? यहाँ मिला है. इस तरीके से हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं राइट एंगल ट्राइंगल में जो कि टू साइड 8 सेंटीमीटर होना चाहिए. थैंक यू.